नमस्कार, चांदी कला टाइम टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिका। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस विधायक विनायक नेमन के भाजपा प्रवेश को लेकर अनिश्चितता जारी। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को होगा मतदान, दिवाली से पहले बनेगी राज्य में सरकार। नासिक मनपा चुनाव, रालपा के सहारे मनसे ने बचाया महापौर। मुस्लिम वोट हासिल करने में जुटी भाजपा, घुसने लगा सबका साथ सबका विकास का नारा। और पृथ्वीराज चौहान का बयान, सीएम के लिए मैं बनूंगा कांग्रेस एनसीपी गठबंधन का चेहरा। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस विधायक विनायक निमरन के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश को लेकर अनिश्चितता बरकरार है। कांग्रेस के पार्षद दत्ता बहिरेट ने शिवाजी नगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू की है। वे भाजपा में शामिल होंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर दी है। वोटिंग 15 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें कि वोटिंग के नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। दिवाली से पहले दोनों राज्यों में नई सरकार बन जाएगी। मनसे ने नासिक मनपा चुनाव में रागपा के सहारे अपना महापौर पद बरकरार रखने में कामयाबी हासिल कर ली है। बताते चले कि अशोक मुद्रक महापौर चुन लिए गए हैं। मनसे ने नासिक मनपा चुनाव में रागपा के सहारे अपना महापौर पद बरकरार रखने में कामयाबी हासिल कर ली है। मनसे के अशोक मुर्दडग महापौर चुन लिए गए हैं। यही नहीं, मनसे ने निर्दलीय को उप महापौर पद देकर राष्ट्रवादी कांग्रेस व कांग्रेस की मदद से महायुति को सत्ता की कुर्सी से दूर रखा। निर्दलीय गुरुमीत बग्गा उप महापौर चुने गए, दोनों को 75 वोट मिले, जबकि महायुति के सुधाकर बड़गुजर को 44 व सांभाजी मोरस्कर को 45 वोट मिले। भाजपा के सदस्यों ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। मनसे के को मनसे के 37, राष्ट्रवादी कांग्रेस के 20, कांग्रेस के 12 व निर्दलीय गुट के 6 मिलाकर कुल 75 वोट मिले। इस चुनाव के कारण राजनीति में मनसे राष्ट्रवादी कांग्रेस के नासिक पैटर्न का गाज हुआ। शनिवार को नागपुर शहर के पागलखाना चौक पर हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें कुछ अज्ञात आरोपियों ने मिलकर एक शख्स की गर्दन पर खंजर से वार कर हत्या कर दी। इस शख्स की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है। शनिवार को नागपुर शहर के पागलखाना चौक पर हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को तड़के गिट्टी खदान पुलिस को फोन पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति की लाश को राडे स्थित पागलखाना चौक के पास पड़ी है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने मौके वारदात का मुआयना किया तो पुलिस को इस शख्स के हाथ और पांव बंधी हुई हालात में दिखाई दिए। इस शख्स का मुंह भी बांध दिया गया था। कुछ आरोपियों ने मिलकर इसे खंजर से गला रेत कर हत्या कर दी थी, लेकिन पुलिस को इस शख्स के पास से छानबीन के बीच कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, जिसे पता चलता है कि शख्स के जेब से आरोपियों ने सारा सामान निकाल कर लाश की बगल में तो रखा, लेकिन उसके पहचान का सबूत आरोपी साथ लेकर चले गए। इस हत्या की खबर से पुलिस विभाग में खलबली मच गई है। इस वारदात के बाद पुलिस विभाग के बड़े आला अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। बहरहाल गिट्टी खदान पुलिस और अपराध शाखा पुलिस इस शख्स की शिनाख्त की कोशिश में जुट गई है, ताकि इस व्यक्ति के हत्यारों तक आसानी से पहुंचा जा सके। विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट हासिल करने में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे के जरिए भाजपा मुस्लिमों को रिझाने में जुट गई है। विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट हासिल करने में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे के जरिए भाजपा मुस्लिमों को रिझाने में जुट गई है। भाजपा के अल्पसंख्यक सम्मेलन में केंद्रीय अल्पसंख्यक विकास मंत्री नजमा हेपतुल्ला और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन शामिल हुए। सम्मेलन में देश भर से आए मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री मोदी का जमकर गुणगान किया। भाजपा के प्रति मुस्लिमों का उत्साह देख भाजपा मुंबई अध्यक्ष आशीष सेलार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सबका साथ सबका विकास का नारा सफल होता नजर आ रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हेपतुल्ला ने कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस मुस्लिमों का इस्तेमाल केवल वोट के लिए करती रही है, जबकि एनडीए सरकार मुस्लिमों के वास्तविक विकास पर जोर दे रही है। विधानसभा चुनाव पर मंथन के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने साफ कर दिया है कि भले ही कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीट को लेकर अब तक सहमति नहीं बनी है, लेकिन अगर यह गठबंधन चुनावी अखाड़े में उतरता है तो सीएम पद के लिए वही ही इसका चेहरा होंगे।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने साफ कर दिया है कि भले ही कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीट को लेकर अब तक सहमति नहीं बनी है, लेकिन अगर यह गठबंधन चुनावी अखाड़े में उतरता है तो सीएम पद के लिए वही ही उसके चेहरा होंगे। गठबंधन के चेहरे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हम चुनाव के दौरान ही युति का चेहरा घोषित कर देंगे। चेहरे की दिक्कत शिवसेना बीजेपी को है, हमें नहीं। चुनाव प्रचार में पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भूमिका पर जोर देते हुए पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि राहुल गांधी नया नेतृत्व नया प्रोसेस लाने जा रहे हैं। चौहान ने कहा, ठीक है लोकसभा चुनाव में नतीजे कुछ गलत आए, मगर राहुल युवाओं के लिए स्टार कैंपेनर हैं। हर बार की तरह सोनिया गांधी, राहुल गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह स्टार प्रचारक होंगे। वकोली चंद्रपुर के अंडरग्राउंड कोयला खदान सीनाला में कल सुबह आग लग गई, जिसके बाद वहां काम कर रहे मजदूरों को जान हथेली पर रखकर भागना पड़ा। आपको बता दें कि उस समय कुल 107 कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आगामी विधानसभा चुनाव में क्रिकेटर युवराज सिंह आपके इलाके में बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगते नजर आए तो चौंकिएगा मत। खबर है कि युवराज सिंह बीजेपी के लिए हरियाणा में चुनाव प्रचार कर सकते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी मीडिया सेल चंदन गोस्वामी से विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। विधानसभा की तैयारी पूरे हमने प्रदेश स्तर से लेकर तो बूथ स्तर तक की हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमने वहाँ पर प्रदेश से जो जो भी हमें गाइडलाइन आई, हमने यहाँ पर बूथ के जो कार्यकर्ता है, पेज के जो प्रमुख है, हमने यहाँ तक एक पेज का प्रमुख तक बनाया है। जो 50 मतदाता होते हैं उनके घर तक जाने के लिए, उनके पास अपने पार्टी का जो भी है पहुँचाने के लिए, वो हमने पूरी तैयारी कर दिया है। यहाँ हमने देखेंगे पिछले 15 सालों का जो निकम्मा फंड जो काम नहीं किया इस आघाड़ी सरकार ने, तो वह तो लोग बिल्कुल बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। रही बात मोदी लहर की, तो मोदी लहर तो हमेशा से रहेंगे, क्योंकि 15 साल का और 100 दिनों का अगर कंपेरिजन किया जाए तो 100 दिनों में मोदी सरकार ने इतने अच्छे डिसीजन लिया है जो 15 साल तक नहीं लिए आघाड़ी सरकार ने। तो वह तो लहर है और लोग और नए मतदाता है, वह तो बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। देखिए यही बात है, हम सत्ता के लिए नहीं, हम लोगों की सेवा के लिए कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सेवा के लिए। लेकिन कांग्रेस और दूसरी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस, वो सत्ता के लिए करती, पूर्ति के लिए। हमने हर समय जनता की भलाई के लिए काम किया है और इस समय जनता ने हमें शासन तक पहुंचाने का पूरा वादा किया है, वो बिल्कुल आतुर है। हम लोग यहाँ पर देखा जाए तो कई भ्रष्टाचार घोटाले, 11,880 करोड़ के घोटाले तक पूरे आकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दे चुके हैं मुंबई में आकर के, उसका पूरा आकलन किया है और जनता तक पहुँचा है। तो उसके घोटाले और जो उनके लोगों के जो अहंकार है, जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी का अहंकार है, उस कांग्रेस के अहंकार को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नागपुर की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और आज सेना दोनों गठबंधन पे, नागपुर पे किस किस इलाकों से या कितनी सीट आप भारतीय जनता पार्टी पे खड़े हैं? देखिए ये महायुति का एक जो भी मुंबई के जो हमारे जो वरिष्ठ है वो जो निर्णय लेंगे वो हमें मान्य है, कार्यकर्ता को मान्य, क्योंकि ये पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। संगठनात्मक पार्टी होने के नाते यहाँ पर में जो निर्णय होते हैं वो प्रदेश और संगठन के स्तर पर लिए जाते हैं और जो निर्णय होंगे वो हमें मान्य रहते हैं। फिर भी अगर छह सीटों में बात किया जाए, कोई ना कोई 2-3-1 सीट वो जो निर्णय वहाँ लेंगे उसके ऊपर में हम खड़े उतरेंगे, उसी आधार पर पार्टी खड़ी उतरेगी। देखिए यहाँ पर में जो चुनावी प्रतिनिधि है, मैंने आपको पहले ही बोला कि संगठनात्मक पार्टी है, संगठन के अनुसार चलती है। जो भी महायुति के जो भी घटक या जितने भी चुने जाएंगे वहाँ जो निर्णय होगा वही हमें मान्य रहता है। मध्य नागपुर विधायक विकास कुंभारे से अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत की हमारे संवाददाता सलीम रहमान ने, पेश है कुछ अंश। पिछले 5 वर्षों में हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हम हर वक्त भक्ति का आसर कार्यकर्ता रहते हैं और उसकी वजह से कोई चुनाव आए इससे हमको तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं रहती। हमारी तैयारी अनेक दिनों से शुरू है और हमारा जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें ही हमने विधानसभा की तैयारी कर रखी थी और हमने सिर्फ डेट का इंतजार था। हमारा जो डेट डिक्लेयर हो चुकी है, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है
फिर हमें कैंडिडेट का नाम लिखना है और काउंसिल करना है। पिछले दो महीनों में भारत के पंत प्रधान सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के साथ वादे किए थे आज वो धीरे धीरे पूरे करने जा रहे हैं, और लोगों का जो लोगों में हलचली थी, जो लोगों मन में बेचैनी थी, आज वो चैन की ओर नजर आ रहा है। और सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भी निर्णय लिए वो समाज के हित में, देश के हित में लिए हुआ है, जिससे नागपुर में नहीं पूरे अपने महाराष्ट्र में और हरियाणा में इसकी राह चलेगी। और वैसे ही हमारा सौभाग्य है कि सम्मान में नितिन जी गडकरी जो नागपुर के खासदार भी है और एक भारत के संदार मंत्री भी है, उन्होंने भी नागपुर शहर के लिए जो निर्णय लिए हुए हैं, 13,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट नागपुर में लाया हुआ है उसका भी एक प्रभाव ये नागपुर शहर में गिरा हुआ है। ये नागपुर शहर वासियों के लिए जोहरा अवसर है और 100% नागपुर की 101% इसमें कोई चुनौती नहीं। लोग पिछले 15 वर्ष में जो आगाड़ी की सरकार देख रही है इससे लोग नाराज है, बेचैन है, महंगाई भ्रष्टाचार से लोग परेशान हो चुके हैं, और इसमें इतने भारी बहुमतों से चुनकर आने वाली है भारतीय जनता पार्टी और यूपी शासन के आप देखते रह जाओगे। मध्य नागपुर का पूरा इतिहास देखा जाए तो पिछले 15 वर्षों से हमारे मध्य नागपुर के जो विधायक थे वो कैबिनेट मंत्री थे, सरकार में दमदार मंत्री थे, लेकिन उन्होंने 15 वर्ष में मध्य नागपुर में कौन सा विकास का काम किया? और मैंने ये पिछले 5 वर्षों में विकास के कार्य क्या किए ये लोग ही देखकर वोट देने वाले हैं। अब सिंपल से उदाहरण लीजिए, ये नागपुर मध्य नागपुर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल न्यू हॉस्पिटल है, एक जादू हॉस्पिटल है। आप 5 साल पहले वो हॉस्पिटल में जाते देखिए, आज 5 साल के बाद आज वो दोनों हॉस्पिटल में जाकर देखिए। दोबारा में यहाँ पे अनेक पुलिया जो क्षतिग्रस्त हो चुके थे लेकिन आज वो पुलिया को मैंने नए बनाया है। ऐसे अनेक मध्य नागपुर में जो विकास के काम किए वो मैं बताने के बजाय लोग देखकर उसको वोट करेंगे, इसका मन पूरी विश्वास है। ऐसे बहुत विधायक को लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, वो घूम रहे हैं, लेकिन जो विधायक जो 15 साल का यहाँ का नेतृत्व कर चुका है और मध्य नागपुर की जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया, 15 साल तक उन्हें झेला, लेकिन जब उसे अपना हार दिखने लगी तो वो पश्चिम नागपुर में बच गए और वो दोबारा अभी यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे भगोड़े जो उम्मीदवार है मैं कहना पसंद नहीं करता लेकिन उन्हें लोग ही दिखाएंगे उसकी जगह नहीं। हमारे भारतीय जनता पार्टी में सीएम कोई एक व्यक्ति या एक उम्मीदवार नहीं कर रहा था, ये पार्टी तय करती है और हमारे वरिष्ठ नेता जो लोग तय करेंगे वो सक्षम ही ऐसा कार्यकर्ता तय करेंगे, उसी को हम सीएम मानेंगे। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।